नमस्कार विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में शब्द रूप जो आपके पाठ्यक्रम में हैं उनमें आज हम देखेंगे रमा यानी लक्ष्मी शब्द के शब्द रूप। रमा, र अ म आ, रमा आ, यहाँ पे आ अंत में है तो जो जिसके अंत में आ होता है संस्कृत साहित्य में उसे आकारांत कहा जाता है। राम में अ अंत में है तो म में अ अ, तो राम को अकारांत कहा गया। रमा में आ अंत में है तो इसे आकारांत कहा गया। फिर ये स्त्रीलिंग भी है तो जिसके भी अंत में आ है, सीता, विद्या, सुशीला, उषा, जिसके भी अंत में आ रहा है उन सब के रूप रमा के जैसे चलेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जैसे कि हम सब पढ़ते पढ़ाते आए 10वीं तक, तो एक वचन रमा, द्विवचन रमे और बहुवचन रमाः। इस तरफ प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। रमा के देखते हैं, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभिः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य, रमायाः रमाभ्याम रमाभ्याम, रमाया रमयो रमाणाम, रमायाम रमयो रमासु। हे रमे हे रमे हे रमा। अब आ में अगर मैं सीता की बोल रही हूँ, रमा के म में आ है, सीता में त में आ है, रूप कैसे बनेंगे? सीता सीते सीताहा, सीताम सीते सीताः, सीतया सीताभ्याम सीताभि, सीतायै सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीताभ्याम सीताभ्य, सीतायाः सीतयो सीतानाम, सीतायाम सीतयो सीतासु। हे सीते हे सीते हे सीताः। ठीक है, रूप जिसके भी अंत में आ है, जैसे सुशीला, ल में आ, रूप कैसे बनेंगे? सुशीला सुशीले सुशीलाहा, सुशीलाम सुशीले सुशीलाहा, सुशीलया सुशीलाभ्याम सुशीलाभिः, सुशीलायै सुशीलाभ्याम सुशीलाभ्य, सुशीलायाः सुशीलाभ्याम सुशीलाभ्य, सुशीलायाः सुशीलयो सुशीलानाम, सुशीलायाम सुशीलयो सुशीलाशु। हे सुशीले हे सुशीले हे सुशीला। लता के रूप देख सकते हैं, लता में भी त में आ, लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयो लताणाम, लतायाम लतयो लतासु। हे लते हे लते हे लताः। अब रूप देखते हैं, मति, म अ त ई रिस्व ई, जिसके भी अंत में रिस्व ई है स्त्रीलिंग में, ई ई है अंत में जिसके, संस्कृत में अ नहीं बोलते अकार, क नहीं बोलते ककार, ख नहीं बोलते खकार, ऊ नहीं बोलते उकार, क्या बोला जाता है? अकार यानी अ, ककार यानी क, तो इकार यानी ई, मति के अंत में छोटा ई, लघु ई, रिस्व ई, जैसे जो भी आप अब तक पढ़ते सुनते आए हैं। मति यानी बुद्धि, इकारान स्त्रीलिंग। रूप देखिए, मति ही मति मतयः, मति 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 ही, यहाँ पे भी ठीक वैसे ही है, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, और इस तरफ लेफ्ट साइड में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन, जिसे आप क्रमशः किस नाम से जानते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। मति ही प्रथम विभक्ति एक वचन में, मति ही मति मतयः, मति 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 ही, मत्या मतिभ्याम मतिभि, मतयै मतये मतये, यहाँ पे दो रूप चल रहे हैं, मतयै मतये
मतिभ्याम मतिभ्य, मत्या मते मतिभ्याम मतिभ्य, मत्या मते मतिहो मतीनाम, मत्याम मतौ मतिहो मतिषु, हे मति हे मति हे मतय। हमारा जो पेपर आएगा फर्स्ट ईयर संस्कृत का सेकंड पेपर, उसमें सीधे हमसे रूप पूछे जाएंगे कि आप रमा के रूप लिखिए, रमा का प्रथमा या तृतीया या चतुर्थी का रूप लिखिए, मति का प्रथमा तृतीया चतुर्थी को, तो ये आपको कंठस्थ करने हैं। और ये सारे रूप आप दसवीं तक पढ़े हुए हैं, कोई भी नया रूप ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा है, और थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो हमारा ज्ञानवर्धन ही होगा। तो मैं आपसे यह आशा करती हूँ कि आप सब इसे पढ़ेंगे, कंठस्थ करेंगे और ऐसे के ऐसे लिख के आएंगे। तो जितना आप सही लिख के आएंगे, संस्कृत तो है ही स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो जितना आप सही लिखेंगे उतने के उतने आपको नंबर मिल जाएंगे। नदी, नया शब्द है नदी, द में ई बड़ा ई इकारांत, मती में छोटा ई इकारांत, नदी में बड़ा ई इकारांत, और वो भी कौन सा, स्त्रीलिंग। इसके रूप ठीक वैसे ही एक वचन द्विवचन बहुवचन, और फिर इस तरफ आ रहा है लेफ्ट में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। रूप कैसे चल रहा है, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदीहि, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। रमा के साथ शब्द रूप में अब अगर मैं कारक लगाऊं तो कर्म का चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह है ने, तो रमा यानी रमा ने। दूसरा जो कारक आता है वह है कर्म, कर्म का चिन्ह है कर्म को, तो रमाम रमा को, इस तरह से अर्थ बैठता है। फिर है तीसरा कारक आता है करण, करण यानी करण का चिन्ह है से ने या फिर के द्वारा, तो रमया रमा से रमा ने रमा के द्वारा, जैसे कर्ता में बना कर्ता ने तो रमा ने, करण में बना कर्ता ने कर्म को तो रमाम रमाम यानी रमा को। तृतीया में कैसे बनता है, करण से ने के द्वारा, ये जो कारक के चिन्ह है, तो रमया अर्थात रमा से रमा ने रमा के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान, उसका चिन्ह है के लिए, रमायी रमा के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या है, के लिए, रमायी रमा के लिए। पंचमी का चिन्ह होता है से अलग होने पर, यानी अपादान का चिन्ह है से या अलग होने पर, तो अगर हमें ऐसे बोलना है रमा से यानी सा से अलग होने पर, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहाँ पे से तीन दो जगह से आता है, करण में तृतीया में आ रहा है रमैया, तो वहाँ पे से साथ के योग में, जैसे पुत्र पिता के साथ आता है, तो ये जो से है ये साथ के योग में, जब साथ के योग में से आता है तो संस्कृत साहित्य में ये जो से है यह तृतीय विभक्ति में लगाया जाता है। और अगर पंचमी में अगर से अलग होने के अर्थ, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, वह गांव से आया, दोनों अलग हो रहे हैं, गांव और वह अलग हो रहे हैं, पेड़ और पत्ता अलग हो रहा है, तो वहाँ पे से यानी अपादान से अलग होने पर, तो अपादान में रमा का रूप क्या बनेगा, रमायाहा। फिर आता है षष्ठी, काके की रारेरी, मैं काके की रारेरी, रमा का रमायाहा, षष्ठी में क्या रूप बना, रमायाहा। फिर है सप्तमी, रमा में रमा पे रमा पर, अधिकरण में पे पर, तो रूप बनेगा रमायाम। संबोधन में हे रमे, आवाज लगानी हो किसी को पुकारना हो तो हे रमे। मति में नदी में, देखिए मति में भी ऐसे ही प्रथम प्रथमा विभक्ति कर्ता यानी मति मति ने, द्वितीय विभक्ति कर्म यानी को मतिम, तृतीय करण से मत्या, चतुर्थी अपादान के लिए मतियई मतये, पंचमी सॉरी में चतुर्थी संप्रदान, चतुर्थी यानी संप्रदान यानी के लिए मतियई मतये,
पंचमी अपादान मत्याह मते हे, षष्ठी मत्याह मते हे काके की रारेरी, सप्तमी में मैं पे पर मैं मत्या मतो। नदी में देखते हैं, प्रथम विभक्ति कर्ता ने नदी, द्वितीय विभक्ति कर्म को नदी नदी को, तृतीय विभक्ति करण से नद्या नदी से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान नदी के लिए नद्यई, पंचमी विभक्ति अपादान अलग होने पर नद्या, षष्ठी विभक्ति काके की रारेरी नद्या, सप्तमी विभक्ति नदी में नदी पे नदी पर अधिकरण और संबोधन हे नदी हे नद्यो हे नद्या।